हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24 जिसमें 5,967 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, उसका क्या है शारीरिक दक्षता, साथ ही चयन समिति का भी गठन हो चुका है। तो बिलासपुर रेंज के लिए चयन समिति का गठन हो गया, कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही किस जिले में कितना फार्म डाला गया है, कहाँ पर कौन से पद के लिए कितना ज़्यादा फार्म आया है, और फिजिकल के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। सबसे आपके ज़्यादा यही है कि किस जिले में कितना कितना फार्म भरा गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। साथ ही नव भर्ती केंद्र है, तो कौन कौन से वो नव भर्ती केंद्र है और किस भर्ती केंद्र में कौन कौन से जिले वालों का फिजिकल होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, मोबाइल स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, यहाँ पर पूरा पत्र क्रमांक लिखा हुआ है और इसमें मेन यही है कि परिपालन में, ये पत्र क्रमांक दिया है 17/7/10/2024 के परिपालन में पुलिस, यहाँ पर देखेंगे तो जिला पुलिस बल आरक्षक सवर्ग भर्ती चयन प्रक्रिया 2023-24 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित भर्ती केंद्र रायगढ़ केंद्र में जिला कौन कौन से आएगा, तो इसमें जिला रायगढ़ आएगा, जांजगीर चांपा शक्ति और सारंगढ़ हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर चयन समिति में देखो अध्यक्ष है दिव्यांग कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ का है, फिर सुश्री रमा पटेल है एडिशनल एसपी, ये भी सदस्य है। ठीक है, फिर अनिल कुमार है डीएसपी जांजगीर चांपा का, फिर भुवनेश्वर प्रसाद सी है। ठीक है, ये जो है उपरोक्त चयन समिति में कार्यपालिक भर्ती सेवा देखो 2007 के नियम के अनुसार होगा और 23/11/2007 के जो नियम बना था उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, साथ ही आगे चीज़ों को और आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये देखो पुलिस मुख्यालय का क्या है, ये एक लेटर है। ठीक है, इस लेटर में आप देखेंगे पुलिस महानिरीक्षक सभी को लिखा गया है, जिला पुलिस बल आरक्षक चयन समिति के गठन के संबंध में दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है, कितना ऑनलाइन आवेदन इतना है, अतः जिला इकाईवार प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रथम चरण में दस्तावेज क्या का होगा, प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच होगा, शारीरिक नापजोक शारीरिक दक्षता होगा। ठीक है, जो कलम 3 में दिया गया है। ठीक है, उसके अनुसार से अब इसमें आप देखो कहाँ पर कितना फॉर्म भराया गया है, तो रायपुर में कितना 90,200 है, फिर इसमें चालक का है। ठीक है, तो टोटल इतना फॉर्म भराया हुआ है, ये सभी चीज़ों को आप देखो, इसको आपको कहाँ से प्राप्त करना है, तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ से जाकर आप कर लेना, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ों को तत्काल, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से ही करता हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। फिर बलौदा बाजार में देखो कितना पद है, सभी का दिया हुआ है। ठीक है यार, इसमें पूरा सभी केंद्रों का दिया हुआ है और कहाँ कहाँ भर्ती केंद्र होगा, तो भर्ती केंद्र देखो रायपुर में एक होगा, दूसरा धमतरी में होगा। ठीक है, उसके बाद जिला दुर्ग में होगा, जिला राजनांदगांव होगा, बिलासपुर में होगा, रायगढ़ में होगा। ठीक है, और उसके बाद अंबिकापुर में होगा, बस्तर में होगा, कोंडागांव में होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा है और टोटल पद यहाँ पर देखिए कितने लोग आवेदन किए हैं। ठीक है, और टोटल यहाँ पर है ये, तो चूंकि भर्ती प्रक्रिया रेंज स्तर पर संपन्न होगा, अतः तालिका के 3 क्रमांक में दर्शे के अनुसार छत्तीसगढ़ कार्यपालिका भर्ती सेवा अधिनियम 2007 के कार्यान्वयन में भर्ती समिति का गठन तथा प्रत्येक भर्ती स्थल पर संचालन हेतु अनुचित कार्यपालिक बल का व्यवस्था करें, यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए भी है, तो कब चालू हो जाएगा, ठीक है, इसका अभी पता नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।